Bharat Mata ki? Jay. Bharat Mata ki? Jay. Bharat Mata ki? Jay. Most respected Sri Ravi Shankar Prasadji, Honorable Union Law Minister. Most respected Sri Ram Madhav Saab. Honorable Advisor to the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. Respected Farooq Khan Saab. And the galaxy of intellectual people sitting over here. I've been really privileged over here. And I extend my thanks to Sri Ram Madhavji and India Foundation for inviting me over here. I know it's a very important day. For the first time, I am here coming out of Jammu and Kashmir and uh, speaking on the issues of Jammu and Kashmir after abrogation of Article 370. And one important thing, Sardar Patel Ji Jis, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस चीज के लिए बलिदान दिया था एक विधान एक प्रधान एक निशान आज गुजरात की इस पवित्र भूमि बड़ौदा की भूमि सरदार पटेल जी के स्टेचू ऑफ यूनिटी उनके चरणों में जब हम बोल रहे हैं इस देश के अंदर एक विधान एक प्रधान एक निशान है और हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का श्रीमान अमित शाह साहब का कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से वॉल ऑफ हेटरेट एक नफरत की दीवार को गिराया जिसने जम्मू कश्मीर को पिछले सत्तर सालों में बहुत बर्बाद किया था साथियों हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन विलय भारत के साथ हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को और जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था वो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के आधार पर तैयार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर के बाद हुआ था और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट में जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या उन्होंने इंडियन डोमिनियन में अपनी प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना एक्सीड करना है या पाकिस्तानी डोमिनियन में जाना है जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने तय किया और उन्होंने जो 1931 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड टेबल लंदन के अंदर हुई देश की आजादी की बात की थी भारत की स्वतंत्रता की बात की थी और 26 अक्टूबर को जो महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किया पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को भारत के साथ उन्होंने विलय किया लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर विलय के बाद जिस प्रकार के पोलिटिकल वहां के हालात बनाए गए और जो दिल्ली के अंदर सरकारें थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको सत्ता सौंपी गई उन्होंने पॉलिटिकल ब्लंडर आफ्टर ब्लेंडर, ब्लेंडर आफ्टर ब्लंडर किए और जिसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर लाशों पर राजनीति की गई एक जमाना आ गया कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीनगर जाते थे अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट लेके जाते थे अरबों खरबों रुपए के फाइनेंशियल पैकेजेस अनाउंस किए जाते थे लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद भी भारत देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद नहीं किया जाता था बार-बार यही कहा जाता था मसला है कश्मीर हल करो मसला है कश्मीर हल करो मसला है कश्मीर हल करो मसला कश्मीर क्या था जिस चीज का जिक्र यूनाइटेड नेशन का फारुख खान साहब ने यहां के अंदर किया यूनाइटेड नेशन ने भी जो अपनी जजमेंट पास की थी उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान इज एन एग्रेसर पाकिस्तान हमलावर है और जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान खाली करे वहां प्लेबिसाइड रेफरेंडम की बातें की जाती थी लेकिन उसके अंदर ये साफ लिखा था कि पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को और गिलगित बल्टिस्तान को खाली करना पड़ेगा कभी पाकिस्तान इस बात को लेकर कभी माना नहीं और एक परसेप्शन बना दिया गया एक हवा बना के रख दिया गया कोई कश्मीर कश्मीर हो गया और एक दौर आ गया कि दिल्ली के अंदर ऐसी सरकारें थी जिन्होंने आतंकवादी अलगावादियों के आगे पाकिस्तान परस्त जो एलिमेंट्स थे उनके आगे घुटने टेके उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे 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 जम्मू कश्मीर पर भारत की पकड़ कमजोर होती गई हमारे जवान लड़ते रहे हमारी सेना के जवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हमारे एस पी हमारे सिविल लोग उन्होंने कुर्बानियां दी लेकिन जो टेबल के ऊपर बैठते थे जो डायलॉग करते थे वो हमेशा टेबल पर हार जाते थे मैदान के ऊपर तो हमारी सेना ही जीतती थी हमने उन्नीस और इकहत्तर की जंग में जा जा के लाहौर के अंदर तिरंगे झंडे हमारी सेना ने गाड़े लेकिन टेबल के ऊपर बैठने वाले ये सो ये जो सेकुलरवादी हैं इन्होंने हमेशा टेबल के ऊपर ये हारे हैं क्योंकि इनके मन में वो कमिटमेंट वो डेडिकेशन वो राष्ट्रभक्ति नहीं सेना का जवान तो बॉर्डर पर कुर्बानी देगा अपनी गर्दन कटाएगा दुश्मन को मार मुकाएगा लेकिन जज्बा देशभक्ति का उन नेताओं के अंदर नहीं था जिसका खामियाजा जम्मू कश्मीर को जनता को भुगतना पड़ा देखिए कितनी विडंबना है जम्मू कश्मीर से चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट देश के संसद पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कानून बनाते हैं

एक वोट से और वो एक वोट किसका था सैफुद्दीन सोज का था जो श्रीनगर से एमपी जीत के आया था उसकी पार्टी ने विप जारी किया था कि आपने वाजपेयी सरकार को वोट देना है उसने गद्दारी की थी। एक वोट कहां का? कश्मीर की श्रीनगर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का एक वोट हमारे देश की सरकार को गिरा गया लेकिन देश का कानून नहीं लागू होने देंगे आप कश्मीर में क्यों नहीं लागू होने देंगे वहां बैठ के आप वोटिंग करते हो डिबेट के अंदर हिस्सा लेते हो लेकिन वो कानून वहां नहीं लगना चाहिए सेंट्रल लॉस 120 के करीब 120 के करीब अराउंड अराउंड 120 सेंट्रल लॉस वर नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर लास्ट 70 इयर्स। बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के सुप्रीम कोर्ट का वहां के अंदर जूरिडिक्शन लाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 67 के बाद में वहां के अंदर आया कोई पूछने वाला नहीं था धांधलियां चलती थी आर्टिकल 370 की आड़ में और आर्टिकल 370 का कोई लाभ कश्मीर के मुसलमानों को नहीं था मैं पूरे जम्मू कश्मीर को अच्छे से जानता हूं मैंने ट्रेवल किया है कश्मीरी मुस्लिम आर द वर्स्ट ऑफ आर्टिकल 370 आई नो ये बंदूक कहां से आई सेंस ऑफ सेपरेटिज्म कहां से आया एलिनेशन से आई? इस नफरत की दीवार ने तभी आपने देखा कि जिस दिन धारा 370 हटाई गई इमरान खान रैली करेगा मार्च मुजफ्फराबाद लाइन ऑफ कंट्रोल क्या जरूरत पड़ गई पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर 18 मिनट बोलना था 45 मिनट वो बोलते गए वो बेचारे रिंग बजाते गए रिंग बजाते गए कोई नहीं सुनता गया कश्मीर याद आता गया धारा 370 याद आती रही उसको आखिर क्या कनेक्शन था इस धारा 370 का और इमरान खान पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का ये हमको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान इस धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर बर्बादी कर रहा था जम्मू कश्मीर कभी इट वॉज नेवर रिमेन एन इश्यू बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम इट ऑलवेज रिमेन एन इश्यू बिटवीन नेशनलिस्ट एंड एंटी नेशनल I agreed with what

चौधरी मोहम्मद औरंगजेब का गला काट के फेंक देते हो ये जिहाद है पाकिस्तान ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट कि हम इसको हिंदूस वर्सेस मुस्लिम बनाएं और पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स ने कश्मीर के अंदर ये कोशिश भी की लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम्स आर इंडियन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख ले एंड कारगिल आर इंडियन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन जम्मू प्रोविंस दे आर इंडियन एक छोटा सा सेक्शन ये कश्मीर के डाउनटाउन के अंदर या साउथ कश्मीर का वो चार लोग खड़े हो जाते हैं तो मसला कश्मीर बन जाता है जो जम्मू कश्मीर का नया मैप देखिए आपको हैरानगी हो जाएगी लद्दाख उसमें उसकी मेजर भूमिका छोटा सा कश्मीर का भाग आपको याद आएगा जम्मू के अंदर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है एरेस्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट उस डोडा डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट के जैसी कश्मीर वैली है और उस कश्मीर वैली में भी नॉर्थ कश्मीर बारामूला कुपवाड़ा, उड़ी करना ऑल प्रो इंडियन पेट्रियोटिक पीपल लेफ्टिनेंट जनरल माइट माइट हैव हैव ओवर कभी एक पत्थर नहीं चलेगा आप नॉर्थ कश्मीर के अंदर चले जाओ आप सेंट्रल कश्मीर में आ जाओ गांधरबल में आ जाओ बीरवा में चले जाओ पटन के एरिया में चले जाओ आप बडगाम के एरिया में चले जाओ एक पत्थर नहीं चलेगा श्रीनगर के अंदर प्रॉपर में डाउनटाउन को छोड़ दो सब ठीक है पहलगाम कभी बंद नहीं हुआ है ये चार लोग खड़े होते हैं ये अनंतनाग के साथ-साथ नेशनल हाईवे में और मसला ही कश्मीर बनता है कारण ये था कि हमारी लीडरशिप वहां के अंदर बड़ी कमजोर थी मेरे को याद है राम माधव जी यहां बैठे ये कैसा इन था अमेरिका के एयर स्पेस से अगर कोई जहाज गुजरता है किसी बच्चे का जन्म होता है वो अमेरिका का सिटीजन हो जाता है सत्तर साल वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी उनको वहां नागरिकता नहीं दी गई सेवनटी ईयर्स और राम माधव जी ने एक इंडिया फाउंडेशन ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसको कहीं मेरे ख्याल में जिनेवा में भी दिखाया गया आजाद देश के गुलाम लोग स्लेब्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री आजाद देश के गुलाम लोग क्या उनके हक नहीं थे वो लोकसभा के इलेक्शन में तो वोट कर सकते हैं पंचायत में असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते ये कौन सा जस्टिस था गुजर एंड बकरवाल दे आर द मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब्स वर नॉट गिवन देयर राइट एंड ऑन द डे वेन आर्टिकल थ्री सेवनटी वॉज एप्रोकेटेड इन टू जॉयस भारत माता की जय वंदे मातरम यू माइट the ईद उन्होंने बोला हमारे लिए तो यह असली आजादी अब आई इस 370 की आड़ में कुछ परिवारों ने लूटा कुछ फैमिलीज ने वहां गड़बड़ घोटाला किया जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जो ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े नारे देते हैं उनको वो उन्नीस सौ में कश्मीर घाटी से जब कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ के बाहर फेंका गया वो याद नहीं आया टिक्कू आरती टिक्कू जी सिटिंग ओवर हैग अनंतनाग अनंतना की एक हमारी बहन सरला बट का कत्ल कर दिया गया आर से उसके जिसम को चीर के वहां खनाबल चौक के अंदर लगा दिया गया वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं था प्रेमनाथ भट्ट जी को गोली मार दी गई टीकालाल टिपलू जी का कत्ल कर दिया गया आदित्यराज कोल अपने घर में जाके दिवाली नहीं मना सकते हैं आरती टिक्कू अपने घर अनंतनाग नहीं जा सकती है इनसे पूछो आपका मकान है जली हुई लकड़ियां मिलेंगी क्यों नहीं जा सकते कहां है वो मानवाधिकार का रोना रोने वाले सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एक बहुत बड़ा छल और कपट जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों ने किया जम्मू कश्मीर का जो एक सेशन था वो जब 26 अक्टूबर उन्नीस को हुआ पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का एक सेशन हुआ आज का जो रोड मैप है, के न्यू रोड मैप फॉर न्यू यूटीज रोड मैप ये है तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पांच अगस्त के दिन माननीय रविशंकर प्रसाद जी ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब ये पूरा देश आपका ऋणी है आप लाभ मिनिस्टर हो आपने लाभ बदल के रख दिया डिस्कोर्स चेंज कर दिया इंडिया में मैं कहीं जाता था देश में विदेश में लोग बोलते थे कश्मीर का क्या बनेगा कश्मीर का क्या बनेगा अब हमको फोन आता है ये पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर कब लेने वाले हो जी डिस्कोर्स चेंज हो गया आफ्टर फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट 2019 लोगों का सोच बदल गया मैं उस एरिया से आता हूं जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, जहां हमारा सुखोई हमारा मिराज टकराया था पाकिस्तान के एफ सिक्सटीन से और अभिनंदन जी पार चले गए थे इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखिए लोगों का सोच बदल गया यह जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है मीरपुर कोटली भिम्बर बाग पलंदरी देवा बटाला नीलम वैली ये जो ये सारे एरियाज़ हैं, ये पाकिस्तान ऑकोपोड जम्मू कश्मीर ये भारत का है और जिस मां शारदा देवी जो मुजफ्फराबाद के अंदर है जो हमारी आराध्य देवी है वो हमारी मां है वो पिछले सत्तर अस्सी वर्षों से वो मंदिर खंडित कर दिए गए हैं हमारा न्यू रोड मैप है मुजफ्फराबाद के अंदर माँ शारदा देवी पीठ के अंदर जाके उस मंदिर का पुनः निर्माण करके वहां भव्य पूजा करना यह मुजफ्फराबाद मीरपुर कोटली भिम्बर बाग देवा नीलम वैली इसको वापस अपने में लेना यह गिलगित बल्टिस्तान जो जामियान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है इसको अपने साथ वापस जोना ये वैली जो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी एरिया हमारा और गिफ्ट कर रहा पाकिस्तान चीन को देखो समान हमारा और ये अक्साई चीन, चीन जो चीन के कब्जे में है वो हमारा हमारा न्यू रोड मैप है हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ धारा 370 के समापन के बाद जो गट्स हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का अरमान है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा जल्द से जल्द लहराए यह हम सब का एक संकल्प है और इस संकल्प को हम पूरा करें यह हमारा रोड मैप है इसके लिए अब हमको काम करना है अब हमको थकना रुकना नहीं हमारा न्यू रोड मैप है पांच लाख कश्मीरी पंडित दुनिया भर के देशों में ठोकरे खाए एंटू में रहें की ठोकरें खाए अपने घर में ना जा पाए वापिस विद ऑल रिस्पेक्ट उनकी इन उनको इज्जत के साथ कश्मीरी पंडित को वापिस कश्मीर घाटी उनके घर में बसाना ये हमारा न्यू रोड मैप है हिंदुस्तान के जितने कानून हैं इन कानूनों को हमने जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना ये हमारा न्यू रोड मैप है फारुख खान साहब ने कहा एडवाइजर साहब ने कि श्रीनगर में इंडिया फाउंडेशन का अगला इंडिया आइडियाज कंक्लेव होना चाहिए मेरी सोच है कि ये इंडिया फाउंडेशन का इंडिया आइडियाज कंक्लेव श्रीनगर में नहीं मुजफ्फराबाद और मीरपुर में होना चाहिए जय हिंद जय भारत